और चलिए अब बात करेंगे खबरें ताबड़तोड़ की। कानपुर सीजेएम कोर्ट में हुई पीयूष जैन की पेशी, जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने मांगी ट्रांजिट रिमांड, कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड की मंजूर। पीयूष जैन के कन्नौज के आवास पर मिले कैश की काउंटिंग जारी, 3 बड़ी और 2 छोटी मशीनों से हो रही काउंटिंग। गिरफ्तार इत्र व्यापारी पीयूष जैन का कोर्ट ले जाने से पहले हेलिक अस्पताल में कराया गया था मेडिकल, देर रात भी कराया गया था मेडिकल चेकअप। इत्र कारोबारी पीयूष जैन ने कल की रात कानपुर के थाने काकादेव में बिताई, रात भर इंस्पेक्टर के कमरे में जमीन पर लेटकर पीयूष जैन की कटी रात। कानपुर और कन्नौज में छापेमारी के बहाने एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने समाजवादी पार्टी पर कसा है तंज, कहा परिवारवाद ही इनका समाजवाद, जहां भी खुर्चो वहां से बरस रहे हैं नोट, जनता सब समझ रही है। पीलीभीत में भी बीजेपी की एक सभा में महिलाओं की भीड़ जुटाने के लिए बांटी गई घड़ियां, घड़ी बंटवारे को लेकर महिलाओं में हुई मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मारपीट का वीडियो। प्रतापगढ़ को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात, 554 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया गया लोकार्पण, शिलान्यास, कहा पिछले 4.5 साल में 45 लाख गरीबों को दिए गए मकान। प्रतापगढ़ की धरती से सीएम योगी का अखिलेश पर बड़ा प्रहार, कानपुर और कन्नौज रेड को लेकर बोले सीएम, आज समझ में आया बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था, गरीब के पैसे से सपा बसपा कांग्रेस के नेताओं ने इस पैसे को हड़पा। चुनाव आयोग की स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हुई बैठक, 2022 के चुनाव को लेकर कोविड की स्थिति पर बैठक में चर्चा हुई, चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य सचिव से मांगी पूरी रिपोर्ट। चुनाव आयुक्त ने जिन राज्यों में चुनाव है उनकी पूरी रिपोर्ट देने को कहा, कोरोना केस और वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी मांगी, जनवरी की शुरुआत में स्वास्थ्य सचिव के साथ फिर होगी बैठक। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली 16 सदस्यीय समिति, ब्राह्मणों को भाजपा से जोड़ने के लिए बनाई गई है समिति, शिव प्रताप शुक्ला, श्रीकांत शर्मा, ब्रजेश पाठक, अभिजात मिश्रा, आनंद शुक्ला, सतीश द्विवेदी और महेश शर्मा ने की मुलाकात। भाजपा सांसद महेश शर्मा का बयान, जेपी नड्डा को ब्राह्मणों की मांग को लेकर पत्र सौंपा गया, योगी जी के नेतृत्व को लेकर हुई चर्चा, एक बार फिर से सीएम योगी के नेतृत्व में हम बनाएंगे सरकार। समिति के अध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ला का बयान, कहा हमने पहले भी ब्राह्मणों को ज्यादा टिकट दिए थे, आगे भी ज्यादा टिकट ब्राह्मणों को ही देंगे, सपा बसपा के दुष्प्रचार को हम करेंगे बेनकाब। साहिबजादा दिवस पर लखनऊ में गुरमणि कार्यक्रम में हुआ आयोजन, सीएम योगी सहित कई मंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहे, सीएम आवास पर कार्यक्रम हुआ, साहिबजादा दिवस मनाने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। सीएम के कार्यक्रम को संबोधित जब सीएम ने किया, कहा कि सीएम आवास पर होने चाहिए भारत के इतिहास को नई दिशा देने वाले कार्यक्रम, ताकि युवा पीढ़ी देश और धर्म के इतिहास को जान सके। सीएम योगी ने कहा, देश और धर्म के लिए साहिबजादों ने बलिदान दिया, गुरु गोविंद हमारे लिए है प्रेरणा, सिख परंपरा दुनिया में अनूठी, सिखों ने विदेशी आक्रांताओं का अंत किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी हिंदुओं की मदद की, गुरु परंपरा हर हिंदू के घर में होनी चाहिए, हर भारतीय के मन में गुरु परंपरा के लिए श्रद्धा हो। गाजियाबाद में भाजपा की जनविश्वास यात्रा के दौरान लोनी में भाजपा से नगरपालिका की चेयरमैन रंजीता धामा ने विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर ठोके दावेदारी, कहा अगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगी। कल कानपुर को मिलेगी मेट्रो की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मेट्रो परियोजना का उद्घाटन, दोपहर तकरीबन 1:30 बजे पीएम मोदी देंगे सौगात, आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में भी पीएम होंगे शामिल।
पूर्व सीएम हरीश रावत का भाजपा को बड़ा झटका। भाजपा नेता सुरेश गंगवार को कांग्रेस में कराया शामिल। उनके साथ 24 जिला पंचायत सदस्य 25 ग्राम प्रधान भी हुए शामिल। हरीश रावत ने भाजपा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है वार। कहा प्रदेश में चुनाव होना चाहिए, भाजपा चाहती है चुनाव टालना। हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज पर भी साधा निशाना। मथुरा पहुंचे राकेश टिकैत ने कृष्णानगर बिजली घर के बाहर लंबे समय से चल रहे आंदोलन को खत्म कराया। कहा अब आपको सरकार से जो लेना है वो लेते रहो, साथ ही मथुरा वासियों को भी सावधान रहने की बात कही। लखनऊ में कर्मचारियों की समस्या को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश। कहा समस्याओं के समाधान में अनावश्यक देरी ना करें। सीएम ने उच्च स्तरीय कमेटियों की सुस्ती का लिया संज्ञान। सेवा संगठनों की शिकायत पर कमेटियों ने नहीं की कोई कार्रवाई। वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में बनाई गई हैं कमेटियां। प्रतापगढ़ में भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता का अजीबोगरीब बयान। आईएएस आईपीएस अधिकारियों को दिया ओपन चैलेंज। कहा कितना भी पढ़ा लिखा हो मेरे सामने बैठा दो, बात कर ले तो इस्तीफा दे दूंगा। कल लखनऊ में कांग्रेस की महिला मैराथन इकाना स्टेडियम में होगी। कांग्रेस की महिला मैराथन, पुलिस प्रशासन ने मैराथन को दी अनुमति। पहले 26 दिसंबर को होनी थी मैराथन। दिसंबर को हल्द्वानी में पीएम मोदी की रैली को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। एसएसपी नैनीताल ने तैयारियों का जायजा लिया। एमपी इंटर कॉलेज मैदान में होगी पीएम की ये रैली। नानकमत्ता पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के चुनाव कैंपेन के मुखिया हरीश रावत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत का फूल मालाओं से स्वागत किया। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिजल्ट्स पर बोले कर्नल कोठियाल। शहर के पूर्व मेयर और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेश मोदगिल को आम आदमी पार्टी के जसवीर सिंह ने 939 वोटों से हराया। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय में मनाया जश्न। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6531 नए केस दर्ज। 315 लोगों की मौत। इस दौरान 7141 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। एक्टिव मामलों की संख्या हुई 75841। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत बीते दिन 29,93,283 लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज, जिसके बाद अब तक 141,70,25,654 लोगों को हुआ वैक्सीनेशन। देशभर में अब तक 3,42,37,795 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके। रिकवरी रेट सुधर कर 98.40%। इसके अलावा महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 4,79,997 हो गई। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 578 लोग हो चुके हैं संक्रमित। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहली बार ओमिक्रॉन के मामले हुए रिपोर्ट। इसके बाद देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित राज्यों की संख्या 19 हो गई। यूपी में 15 से 18 की उम्र के 1,04,00,000 लोगों को लगेगी वैक्सीन। 3 जनवरी से शुरू होगा 15 से 18 साल लोगों का वैक्सीनेशन। 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को 10 जनवरी से लगेगा बूस्टर डोज। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते नोएडा का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट। जिले में अब तक 9,634 लोग विदेश से लौटे, सिर्फ 500 लोगों का ही हो पाया टेस्ट। 8 लोग कोरोना संक्रमित। जिले में अभी भी 57 एक्टिव केस। देश में लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का किया फैसला। आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। नाइट कर्फ्यू के मद्देनजर पुलिस मेरठ में लोगों को कर रही जागरूक। बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही पुलिस। मेरठ में कोरोना के 4 नए केस मिलने के साथ ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ा। ओमिक्रॉन पॉजिटिव शख्स के साथ सफर करने वाले मां बेटे हुए कोरोना संक्रमित। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर पहुंची 8।
अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस में बढ़ोतरी। व्हाइट हाउस ने बताया बड़ी संख्या में बच्चे ओमिक्रॉन से हो रहे संक्रमित। पिछले कुछ दिनों में न्यूयॉर्क में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या 4 गुना तक बढ़ी। फरुखाबाद में पैसेंजर ट्रेन की जनरल बोगी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ट्रेन को हथियारपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास रोककर आग बुझाई गई। हादसे में कोई हताहत नहीं, टला बड़ा हादसा। मसूरी देहरादून मार्ग पर बाइक सवार दो युवक खाई में गिरे। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हुई, एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। SDRF फायर सर्विस और 108 एम्बुलेंस ने किया रेस्क्यू। देहरादून से मसूरी आ रहे थे दोनों दोस्त। यूपी में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। अगले 24 घंटे में 20 शहरों में बारिश ओलावृष्टि की आशंका। लखनऊ से आगरा तक बदल सकता है मौसम का मिजाज। मुरादाबाद में लव जिहाद की शिकार नर्स के साथ रेप करने वाले सिपाही के खिलाफ दर्ज हुई FIR। मुरादाबाद के रीजनल इंटेलिजेंस में तैनात था सिपाही, इस समय बलिया में तैनात है आरोपी। सिपाही पर रेप करने के बाद जान से मारने की धमकी देने और धोखाधड़ी करने के मामले में दर्ज हुआ मुकदमा। यूपी सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा अखिलेश यादव ब्राह्मणों को लेकर कर रहे हैं दुष्प्रचार। अखिलेश बताएं अपने शासन में कितने ब्राह्मणों को मंत्री बनाया। गाजियाबाद में सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने मोदीनगर में भरी हुंकार। कश्यप समाज के सम्मेलन में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा भाजपा सबसे बड़ी झूठी पार्टी। यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने गाजियाबाद के जिला MMG अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का प्रदेश सरकार ने फैसला किया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। बलरामपुर में भाजपा नेता की गुंडागर्दी। भाजपा मंडल महामंत्री ने दलित रोजगार सेवक को ना सिर्फ गालियां दी बल्कि रोजगार सेवक को दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरीके से पीटा। सरकारी काम भी बंद करवा दिया। पिटाई में रोजगार सेवक को गंभीर चोटें आई हैं। पिटाई के बाद रोजगार सेवक में आक्रोश है। वहीं इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। अयोध्या में सतीश चंद्र मिश्र का भाजपा और सपा पर निशाना। कहा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, दोनों मिलकर कराते हैं दंगे। अयोध्या में चुनावी रैली के दौरान बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या मंडल की 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कहा सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी बसपा। प्रदेश में सरकार बनाने में अयोध्या मंडल का सबसे बड़ा योगदान होगा। हरदोई में सपा नेता और पूर्व मंत्री मनोज पांडे का भाजपा पर निशाना। कहा झूठ बोलने में भाजपा को PhD, अपराधों में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर। रविवार को भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने पदाधिकारियों की लगाई पाठशाला। गढ़वाल में 41 सीटों के पदाधिकारियों के साथ किया मंथन। 2022 चुनाव को लेकर दिया गुरु मंत्र। पौड़ी में भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी संगठन के कुछ पदाधिकारी पर अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही कार्यकर्ता विधायक मुकेश कोहली से भी खफा है। वहीं भाजपा विधायक ने अंतर्कलह को नकारा। अल्मोड़ा में चुनावी सरगर्मियां तेज। विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा अल्मोड़ा में भाजपा ने किए कई ऐतिहासिक कार्य। भारी मतों से फिर जीतेगी भाजपा। राजधानी देहरादून में 4600 पे ग्रेड की मांग को लेकर प्रदर्शन। गांधी पार्क पहुंचकर पुलिसकर्मियों ने परिजनों ने प्रदर्शन किया। पुलिस स्मृति दिवस पर CM ने की थी घोषणा। देवभूमि के कई इलाकों में कल से भारी बर्फबारी। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में घूमने आए पर्यटकों के फंसे वाहन। स्थानीय लोगों की मदद से निकाली गई कई गाड़ियां। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही जबरदस्त बर्फबारी। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। बर्फबारी का मजा लेने के लिए सैलानी भी पहुंच रहे हैं। पर्यटक स्थल फुल होने से खिले हैं होटल व्यवसायियों के चेहरे।
उत्तरकाशी में मौसम का मिजाज बदला, यहां पहाड़ बर्फ से ढक गए। सुबह की धूप में बर्फ से ढके पहाड़ बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। जोशीमठ में रात भर हुई भारी बर्फबारी, सुबह सुबह खिली धूप की रोशनी में चमके पहाड़, बद्रीनाथ धाम में दिखा मनमोहक नजारा। औली में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज, बर्फबारी का मजा ले रहे पर्यटक, कड़ाके की ठंड से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर हो रही भारी बर्फबारी। पहाड़ों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड, बद्रीनाथ धाम समेत चमोली जिले में औली में भी बर्फ पड़ी, बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने। धारचूला में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते नए साल का जश्न मनाने पर्यटक रास्ते में फंसे। यूपी में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, अगले 24 घंटे में 20 शहरों में बारिश ओलावृष्टि की आशंका, लखनऊ से आगरा तक बदल सकता है मौसम का मिजाज। बीएचयू में नए वीसी के पदभार ग्रहण न करने से छात्रों में नाराजगी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वीसी के लापता पोस्टर लगाए गए, नियुक्ति के बाद से अब तक वीसी की नियुक्ति नहीं हुई है। बड़कोट में यमुना घाटी और टोंस घाटी में दो दर्जन से भी ज्यादा गांवों में ग्रामीणों का हल्ला बोल, गांव में सड़क न होने को लेकर ग्रामीणों ने की पंचायत, आगामी चुनाव का बहिष्कार करने का लिया फैसला। आगरा में आरएसएस कार्यालय पर हमला, शराब पीने से मना करने पर भड़के दबंगों ने आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, गुस्साए कार्यकर्ताओं ने लोहा मंडी थाने का घेराव किया।